वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ मिस्टू और आपके साथ लेके आई हूँ एक न्यू वीडियो। तो आज मैंने क्रिएट किया है ये जो मेकअप लुक है, मैंने क्रिएट किया है ओकेशन के लिए, और वो ओकेशन है राखी स्पेशल। जी हाँ, बहुत ही जल्द राखी आ रहा है। सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपको ये लुक क्रिएट करने के लिए, बहुत ही ईजी है। आगे हम बताएंगे मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी टोनर, और फिर मैं मेरे हाथों के ज़रिए डैब डैब करूँगी अपने फेस पर और कुछ देर तक वेट करूँगी। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो आपकी पसंद की। और मॉइस्चराइज़र के साथ साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा एलोवेरा मिक्स्ड किया मॉइस्चराइज़र के साथ, क्योंकि एलोवेरा एज ए मॉइस्चराइज़र भी है और ये एक प्राइमर की तरह काम करता है, इसलिए मैंने उसे यूज़ किया है। मैं मेकअप की शुरुआत कर रही हूँ आई मेकअप से, और इसीलिए मैं यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ मेरी आईलिड पर और अंडर आई पर। इसके बाद मैं अप्लाई करने के बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से धीरे धीरे जो फाउंडेशन है उसे ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको रफ नहीं करना है, ऐसे फेस पर डब डब करना है, रफ नहीं करना है। फिर मैं यूज़ करूँगी फेस पाउडर। मैंने जो फाउंडेशन अप्लाई किया है मेरे आई पर, और इस फाउंडेशन को अच्छी तरीके से सेट करने के लिए मुझे पाउडर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं पाउडर, फेस पाउडर की मदद से फाउंडेशन को बहुत अच्छी तरीके से सेट कर रही हूँ ब्रश की मदद से। आज मैं एक सिंपल आई लुक क्रिएट करूँगी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं एक कलर ले रही हूँ रेड कलर, और इसे मैं कॉर्नर पे डिपॉजिट कर रही हूँ, और मैं अंदर की तरफ इसे ब्लेंड करते हुए ले जाऊँगी ताकि मेरा जो आईज का शेप है बहुत बहुत अच्छी तरीके से उभर के आए। और मैं इसे अंदर की तरफ ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। बहुत जितना अच्छी तरीके से ब्लेंड होगा इतना ही खूबसूरत आई मेकअप लगेगा। और फिर मैं अपने फिंगर टिप की मदद से वही कलर, एक ही कलर है रेड कलर, सेम कलर उसे लूँगी और पूरे आईलिड पर ऐसे में लगा लूँगी। इसके बाद मैं एक ब्रश की मदद से मैंने जो आईलिड पर यूज़ किया है आई शेडो उसे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, क्योंकि ब्लेंड बहुत ही ज़रूरी है अच्छी तरीके से ब्लेंड होना। अगर ब्लेंड अच्छी तरीके से ना हो तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैं यहाँ पर फिल कर रही हूँ मेरी आईब्रो को। आईब्रो को फिल करने से पहले आप देख सकते हो मैंने मिडल से शुरू किया है। पहले ही मैंने ज़्यादा कलर लेके कॉर्नर पे और मिडल से शुरुआत किया है। ऐसे ही आपको भी करना है, क्योंकि अगर आप ब्रश में ज़्यादा कलर लेके पहले ही ऐसे करते रहेंगे तो शेप ख़राब हो सकता है, क्योंकि हमारा जो आईब्रो का शेप है वो मिडल से ज़्यादा ठीक है और अब सामने की तरफ बहुत ही लाइट होता है जो हेयर है आईब्रो के। तो इसीलिए हमें इसी तरीके से टिप्स को फॉलो करना है, वरना अगर ब्रश में अगर धीरे धीरे हल्का हल्का कलर लेना है और आपको वेरी सॉफ्ट और हल्के तरीके से आईब्रो को फिल करना है। फिर मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी मेरी फाउंडेशन, और फाउंडेशन को पूरे फेस पर, नोज पर, चीक्स, नेक, अंडर आई सारी जगह अप्लाई करना है। नेक पर भी अप्लाई करना है ताकि बियर्ड ना लगे फेस के साथ नेक।
खासतौर पर मैं जो ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, हम आपको हमेशा याद रखना, जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हो तो इसे गीला, थोड़ा गीला करके आपको यूज़ करना पड़ेगा। फिर जब वो गीला होता है, वो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से वो ब्लेंड को, फाउंडेशन को ब्लेंड कर रहा है। अगर वो सूखा होता तो इतनी अच्छी तरीके से नहीं करता ब्लेंड। तो ब्यूटी ब्लेंडर जब भी आपको यूज़ करना है तो इसे गीला करके ही यूज़ करना है। यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ आईलाइनर, और मैं कॉर्नर से शुरुआत कर रही हूँ, और छोटा सा मैं एक विंग बनाऊँगी आज। मैं ज़्यादा बड़ा विंग नहीं बनाऊँगी, मैं इस मेकअप को लुक को सिंपल रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने छोटा सा एक विंग बनाया है। फिर मैं अप्लाई कर लूँगी ब्लश, और ब्लश भी मैं बहुत कम ही यूज़ कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जो आई शेडो यूज़ किया है रेड कलर का, वही कलर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश के लिए भी, ताकि मैच मैच हो मेरी ड्रेस के साथ भी। लगा लूँगी काजल, और काजल भी मैं कॉर्नर से ही शुरुआत करूँगी, कॉर्नर पे ही करूँगी, क्योंकि जो मैंने विंग क्रिएट किया है उसके साथ एक साथ मैच करूँगी उसकी। मैं यहाँ पर अपने मेकअप लुक को कंप्लीट कर रही हूँ रेड कलर के लिपस्टिक के साथ, और ये बहुत आई शेडो के साथ बहुत अच्छी तरीके से जाएगा मुझे लगा, तो मैंने रेड कलर का यूज़ किया और ये मेकअप को कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। बाय।